झक सफेद पड़ी यमुना का ये हाल अब दिल्ली में सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गया है। वजह है एलजी विनय कुमार सक्सेना का ये सोशल मीडिया पोस्ट। एक्स पर उपराज्यपाल के आधिकारिक हैंडल से किया गया ये पोस्ट सबका ध्यान अपनी तरफ खींच गया। इसमें एलजी ने मैली यमुना की तस्वीरें टैग करते हुए लिखा, आदि अनंत से दिल्ली की जीवन रेखा रही यमुना का महत्व महापर्व छठ के समय कहीं अधिक हो जाता है। यमुना का ये हाल, दिल्ली की जनता का दर्द देखा नहीं जाता। ऐसी दुर्दशा का जिम्मेवार कौन है? किसने यमुना के सफाई के दावे कर इसमें डुबकियां लगाने की घोषणा की थी? किसने एनजीटी के आदेश पर पिछले साल शुरू किए गए यमुना पुनरुद्धार के काम को कोर्ट से रुकवाया? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यमुना के मौजूदा प्रदूषण की वजह गिनाते हुए गेंद बीजेपी शासित हरियाणा और यूपी की तरफ सरका दी थी। हरियाणा की इंडस्ट्रीज 165 एमजीडी प्रदूषित पानी छोड़ती हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साहिबाबाद ड्रेन से, इंद्रापुरी ड्रेन से 55 एमजीडी प्रदूषित पानी छोड़ती है। आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? अब उपराज्यपाल की तरफ से इशारों में आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराने पर सियासी संग्राम का नया मोर्चा खुल गया है। बात प्रदूषण पर शुरू हुई और इंडिया गठबंधन की भागीदार आम आदमी पार्टी पर सवाल उठे तो इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतर आए। उन्होंने एनसीआर में प्रदूषण का सवाल उठा दिया, पानी की जगह प्रदूषित हवा को मुद्दा बना लिया। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने पोस्ट किया, जिस भाजपा सरकार ने जीवन के सबसे आमूलचूल जरूरत सांस लेना दुभर कर दिया है, उसके बाकी हर दावे बेकार है। आज एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन में केंद्र की भाजपा सरकार नहीं बल्कि प्रदूषण की सत्ता चल रही है। राजनीतिक उठापटक में व्यस्त भाजपाइयों का आम जनता की बुनियादी आवश्यकता पर कोई ध्यान नहीं है। एनसीआर की जनता को भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इलाका आता है जो यूपी में है, तो वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे शहर हरियाणा में है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.